नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने पर नुपुन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ रात की रानी प्लांट के बारे में। रात की रानी एक परमानेंट प्लांट होता है जिसके फूल रात में खिलते हैं और रात में ही सुगंध आते हैं। दिन में इसमें कोई सुगंध नहीं होता है, इसलिए इसे रात की रानी का प्लांट कहा जाता है। और ये बहुत ही हार्डी और ईजी टू ग्रो प्लांट है। दोस्तों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैसे ही प्लांट लगाएं जो हमारे एरिया के क्लाइमेट के सूट करता हो। यदि हम कोई ऐसा प्लांट लगा लें जो हमारे एरिया के क्लाइमेट से सूट नहीं करता है तो हमें अलग से बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसमें अच्छे ग्रोथ नहीं होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये जो रात की रानी का प्लांट है हमारे उत्तर भारत का बहुत ही कॉमन सा प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट और सुगंध देने वाला प्लांट है, तो इसे ज़रूर लगाएं। और ये इसे हम चाहें तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी में बड़े आराम से मिल जाते हैं। इसकी ये छोटी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और मानसून सीजन में अभी हम चाहें तो इसकी कितनी सारी भी कटिंग तैयार कर सकते हैं। और इसे हम चाहें तो गमले में या ग्राउंड में दोनों जगह लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट गमले में था लेकिन रूट बाउंड होने से मैंने इसे लाके ग्राउंड में लगा दिया। ये देखिए और कितने तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है। ये गमले में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जहाँ तक गमले की बात है तो हम 12 से 15 इंच के गमले में बड़े आराम से इसे लगा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन हमें ख्याल रखना है, यदि हम गमले में लगा रहे हैं तो हमें हर साल उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फरवरी या मार्च में, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही तेज़ी से फैलती है और रूट बाउंड हो जाता है। तो हमें हर साल ये काम करना पड़ेगा, अपने गमले की कैपेसिटी को समझना होगा। और हर साल यदि हम रिपोर्टिंग कर देते हैं तो ये हमारा प्लांट सालों साल गमले में चलता रहेगा। और यदि हम ग्राउंड में लगा रहे हैं तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसकी कटाई छटाई हमेशा हमें करनी पड़ेगी। और इसकी मिट्टी की बात करें तो एक हिस्सा अपने ग्राउंड की मिट्टी और एक हिस्सा पुराने गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी हम बना सकते हैं। और ये सालों भर फूल देने वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो थोड़े इसके फूल कम हो जाते हैं, नहीं तो ये सालों भर 15-20-25 दिनों के गैप दे दे के इसमें भर भर के फूल आते रहते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लांट है और हमें इसको ऐसे एरिया में लगाना है या ऐसी जगह पे अपने गमले को प्लेस करना है जहाँ इसे सारा दिन की धूप मिलती रहे। इसे धूप बहुत पसंद है और हमें इस प्लांट में अपने नमी भी बना के रखना है जिससे कि हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहे। और यदि हम गमले में लगाए हैं तो हर 15-20 दिनों में उसकी अच्छी सी गुड़ाई करके हमें एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या 8-10 दाने DAP के डालते रहें तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और यदि हम नर्सरी से ला के प्लांट लगाते हैं तो हमें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, अपने प्लांट को मैच्योर होने देना है। हमारा जब ये प्लांट 6 महीने या 1 साल का हो जाएगा तब ये फूल देगा, तो बिल्कुल ना घबराएं, अपने प्लांट को मैच्योर होने दें, कुछ टाइम दीजिए तब जाके इसमें या कोई भी प्लांट, जब हमारे प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो ही उसमें फूल आते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, नर्सरी से लाके कम से कम 6 महीना 1 साल तक हमें वेट करना है, तब जाके किसी भी प्लांट में फूल आते हैं। तो इस तरीके से हम इसका ख्याल रख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें माइट का अटैक हो जाता है जिससे कि हमारी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, तो हम नीमाइल डाल के इस नीमाइल 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीमाइल डाल के स्प्रे कर दें तो ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। और यदि हम ग्राउंड में लगाते हैं तो इसकी हाइट करीब करीब 10 से 15 फीट तक भी चली जाती है, तो इसलिए हमें इसकी कटाई छटाई करते रहना है जिससे कि हमारा प्लांट बुशी बना रहे और इसमें बहुत सारे ब्रांच आए जिसमें इसमें भर भर के फूल आए। और जैसे मैंने इसको ग्राउंड में लगाया है तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुड़ाई करके इसमें भी हमें गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट डालते रहना है, क्योंकि ये हमारी जो मिट्टी है बहुत फर्टिलाइजर रिच हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा गोबर का खाद और सूखी पत्तियों का खाद मिलाया हुआ है। तो ये इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें समय समय पर स्प्रे करते रहना है। फिर भी यदि आप सब कुछ करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं तो अपने प्लांट में 2 चम्मच बोन मील डालिए महीने में 1 बार और
15-20 दिनों में सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस भी स्प्रे कर दीजिए, जिसके कि इसमें भर भर के फूल आने लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे आप ज़रूर लगाइए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।